देखो भाई, कारोबार क्यों ज़रूरी है और कारोबार में कैसे बरकत रखी अल्लाह ताला ने, ये मैं आपको अभी समझाता हूँ थोड़ा सा। ये सामने मेरे मदीना का हरम है और ये मेरे हाथ में एक अदद स्लीपर है जो मेरी होटल ने मुझे दी है। अब मैं आपको फंडा समझाता हूँ, बिज़नेस का फंडा है क्या। मदीना में तकरीबन 1000 के करीब होटल्स हैं और तकरीबन 1,00,000 के करीब रूम्स हैं। उन 1,00,000 रूम्स में से तकरीबन जो 4-star 5-star होटल होती हैं, वो हर रोज़ ये जोड़ी एक अपने रूम के बंदे को डेली देती है, एक पेयर देती है, एक पेयर। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ, चलो छोटी मोटी होटल निकाल दो, 30,000 निकाल दो, 70,000 रूम्स को, 70,000 सिर्फ मदीना में ये चप्पलें चाहिए। तो इसकी कॉस्ट मेरा ख्याल है मैक्सिमम इसकी अगर कॉस्ट होगी ना तो वो होगी 3-4 रियाल जो बाइंग पड़ती है चाइना से। मेड इन चाइना है, देखो मेड इन चाइना लिखा हुआ है। और होटल को क्रेडिट पर इजीली आप 10 रियाल की बेच सकते हो, सऊदी रियाल की मैं बात कर रहा हूँ, 10 से 12 सऊदी रियाल। अगर अच्छा बड़ा कस्टमर है, थोड़ी सी फाइन क्वालिटी है, तो 15 रियाल तक भी वो आपसे खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्रेडिट पे। मतलब कुछ 60 डेज क्रेडिट होता है, कुछ 90 डेज, 30 डेज होता है, तो वो 6-7 रियाल में खरीदते हैं। तो अगर एक चप्पल पर ज़्यादा नहीं आप सिर्फ 2 रियाल कमा रहे हो, 2 रियाल, और उन 70,000 रूम्स में से सिर्फ और सिर्फ आप 20,000 रूम्स को पकड़ के चल रहे हो, 20,000 रूम्स को, तो मेरे भाई कितना कमा रहे हो, 40,000 रियाल पर डे। छोटी सी बात, छोटी सी चीज़, छोटा सा प्रोडक्ट, छोटा सा बिल्कुल, ये है भाई कारोबार का फंडा। अगर समझ जाओ तो आपके बारे न्यारे, नहीं समझो तो भाई जाके पोगो देखो। ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है, ऐसे करोड़ों आइटम्स हैं मार्केट में, करोड़ों आइटम्स। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद।